नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरमनदीप सिंह। स्वागत है आपका इजी इलेक्ट्रॉनिक फॉर यू में। आज मैं आपको FMCW रडार के बारे में पढ़ाऊंगा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब कुछ हिंदी भाषा में बड़ी आसानी से पढ़ाऊंगा। अगर आपने ये वीडियो देख ली एंड तक, क्या 70% तक ही देख ली, आपको फिर कोई वीडियो या कोई टॉपिक ये इसके रिलेटेड देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एज इट इज़ आपके दिमाग में छाप दूंगा। तो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट, जब आप लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे पहले लोग आपको अनदेखा करेंगे, फिर वे आप पे हंसेंगे, फिर वे आपसे लड़ेंगे, तभी आपकी जीत हो जाएगी, तब तक आपकी जीत हो जाएगी। चलिए इंट्रोडक्शन समझते हैं। देखिए, अगर हम कॉन्टीन्यूस वेव रडार में, कॉन्टीन्यूस वेव रडार का डिस्क्रिप्शन और आई कार्ड दोनों में लिंक है, पहले वो देख लीजिए आप, ठीक है, फिर आपको ईजिली समझ आ जाएगा। ये भी कॉन्टीन्यूस वेव रडार में अगर फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन कर दें हम, तो वो बन जाता है FMCW रडार, फ्रिक्वेंसी मॉडुलेटर कॉन्टीन्यूस वेव रडार, ठीक है। देखिए, यह सिर्फ स्पीड मेजर ही नहीं करता, डिस्टेंस भी मेजर करता है, ठीक है। ये देखिए, इसमें दो एंटीनाज लगे हैं, एक ट्रांसमीटर एंटीना, एक रिसीवर एंटीना। डिस्टेंस मेजरमेंट कैसे होती है, हम कंपेयर करते हैं रिसीव्ड सिग्नल को ट्रांसमिटेड सिग्नल के साथ, अकम्प्लिश उसकी फ्रिक्वेंसी मेजर करते हैं। अब देखिए, वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टीन्यूस वेव रडार रेंज और डिस्टेंस मेजर नहीं था करता, यही उसकी लिमिटेशन थी। मैंने बताया, मैं फिर कह रहा हूँ, आप वो वीडियो पहले देख लीजिए कॉन्टीन्यूस वेव रडार की, जिसका डिस्क्रिप्शन और आई कार्ड में लिंक है, ठीक है। यही उसकी लिमिटेशन थी कि वो रेंज और डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकता, और यही लिमिटेशन FMCW रडार ने हटा दी है, ठीक है। ये उसका ब्लॉक डायग्राम है, क्या है इसमें, सॉटूथ जनरेटर, जो ये ऐसी वेव जनरेट कर दी इसने, मॉडुलेटर ने मॉडुलेट कर दी, फिर ट्रांसमीटर ने FT सिग्नल, ट्रांसमीटर फ्रिक्वेंसी को भेज दिया किसकी ओर, टारगेट की ओर। टारगेट की ओर सिग्नल गया और टारगेट से टकरा के वापस आया। वापस लगाने के, रिसीव करने के लिए भी एक रिसीवर एंटीना रखा हुआ है हमने, ट्रांसमीटर करने के लिए ट्रांसमीटर एंटीना, रिसीव करने के लिए रिसीव एंटीना, दो एंटीना है। तो FD सिग्नल आया टकरा के, डॉपलर फ्रिक्वेंसी आई, ठीक है। मिक्सर ने इन दोनों को मिक्स कर दिया, देखिए कर दिया। एम्पलीफायर ने इसको, इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया। फ्रिक्वेंसी एनालाइजर को पता था कि इसने FD भेजा है और FT भेजा है, ट्रांसमीटर फ्रिक्वेंसी, और FD रिसीव हुआ है। ये फ्रिक्वेंसी एनालाइज कर लेगा, ठीक है, कि कितनी फ्रिक्वेंसी कम है, कितनी ज़्यादा है, उस हिसाब से टारगेट आ रहा है, जा रहा है, कितनी दूरी पे है, तो वो रेंज इंडिकेटर में इंडिकेशन कर देगा। देखिए, सिंपल सी बात है, मैं आपको ये फार्मूला पढ़ाऊँगा जो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी सिग्नल को मॉड्यूलेट करने के लिए लीनियरली इंक्रीज फ्रिक्वेंसी, उसकी फ्रिक्वेंसी को लीनियरली इंक्रीज कर दो, यही प्रिंसिपल इसमें काम आया हुआ है। रेंज किसके बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाय Δt/2। Δt किसके बराबर है, टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय Δf/F2-F1। ये देखिए, ये वेव फॉर्म्स आपको समझ नहीं आएगी कहीं भी, लेकिन मैं आप बड़ी आसानी से समझाऊंगा। कुछ नहीं है, ब्लू में ट्रांसमीटर सिग्नल है और रेड में रिसीवर सिग्नल है। इन दोनों के बीच में जो जितना टाइम गैप है उसे हम Δt कहते हैं, ये Δt है ना, ठीक है। और ये टी है, ये हमारा टोटल टाइम है, जितना टाइम लगा। और F2-F1 क्या है, ये देखिए, एक है हमारा F1 और ये जहाँ से सिग्नल शुरू हुआ और जहाँ तक मैक्सिमम जा रहा है सिग्नल, ठीक है, वो है हमारी अपर फ्रिक्वेंसी F2, ठीक है, ये इसकी बैंडविड्थ है। एडवांटेज डिसएडवांटेज समझिए अब इसकी। देखिए, FMCW एलिमीटर, एज अ एलिमीटर यूज़ होता है। एलिमीटर क्या है, हाइट अबव द अर्थ मेजर करता है कि कितनी अर्थ ऊपर है एयरक्राफ्ट या कोई भी टारगेट हमारा। इट यूज लो पावर यूज होते हैं, लेकिन हाई बैंडविड्थ है इसकी, ये इसकी एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज देखिए, ये बहुत शॉर्ट रेंज तक ही हम इसे मेजर कर सकते हैं, काम में ला सकते हैं। लो ट्रांसमिट पावर होने की वजह से जल्दी इफेक्ट हो जाता है एटमोसफियर, एटमोसफियरिक इफेक्ट के द्वारा जल्दी ये अफेक्ट हो जाता है, कोई भी रेन आ गया, स्टॉर्म आ गया, कुछ भी। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है पल्स रडार के कंपैरिजन में।
दोस्तों उम्मीद है आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको अच्छी ही लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करके जाइए। उम्मीद है आप मुझे सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।